हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजगीर जू सफारी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इसका, तो आप पहले पहला पार्ट जाके देखें और फिर आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस पिछले वाले पार्ट में मैंने ग्लास ब्रिज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इस वीडियो में आपको जू सफारी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, जू सफारी का प्राइस क्या है। यहाँ पर ना आपको 250 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा और 250 रुपीज़ आपको दो पार्ट में पे करना है, इकट्ठा नहीं पे करना है। आपको 100 रुपीज़ एंट्री फी पे करना है और 150 रुपीज़ आपको बाद में दूसरे एंट्री गेट पे करना है, जहाँ से आपको बस लेके जाएगी। बस वगैरह किराया सब कुछ इसी में इंक्लूड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है। 250 रुपीज़ ही आपको पे करना है टोटल। तो आप जैसे ही 100 रुपीज़ पे करके अंदर आएंगे ना, तो आपको ये सब सीन मिलेगा। देखिए यहाँ पे डियर दिख रहा है ना, डियर दिखेगा, यहाँ पे आपको लियोपार्ड दिखेगा, यहाँ पे लायंस दिखेगा, ये सब का स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ पे आप आराम से आइए, अराउंड आधे घंटे में आप यहाँ पे अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फोटोज़ आती है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ क्लिक किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक करके सामने से आपको एक गेट दिखता होगा। ये गेट आपको यहाँ से इस गेट पे जाके आपको फिर से 150 रुपीज़ का टिकट लेना है और वहाँ से आपको बस की डिटेल्स मिलेगी और आपको वहाँ से बस में ले जाके जंगल सफारी में घुमाया जाएगा। अभी हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं देखिए, और यहाँ पर ही हमें 150 रुपीज़ का टिकट मिलना है और यहीं से हमें बस मिलेगी। देखिए यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, यहीं पर आपको टिकट मिलेगा 150 रुपीज़ का। आप जैसे टिकट लेके अंदर आएंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का एक बच्चों का खेलने का प्लेग्राउंड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ वेटिंग पीरियड होता है, तो ये लोग खेलने के लिए बना दिया है कि यहाँ पे लोग वेट कर सके आराम से। तो हम लोगों को 15 से 20 मिनट उन्होंने बोला है वेट करने के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का व्यू कैसा है। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद हम लोग इस बिल्डिंग में आ गए। यहाँ पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी बस हमें लेके जाएगी और कितने बजे लेके जाएगी। ये देखिए काफ़ी अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पे गुरु नानक जी की, और देखिए ये वाला एरिया है, काफ़ी सुंदर सा जगह है। यहाँ पर भी वॉशरूम की सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है। इवन यहाँ पे देखिए एक सामने एक वेटिंग रूम भी दिख रहा है मुझे, वेटिंग रूम है और यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, छोटा सा लाइन लगता है। जो भी टिकट्स लेके लोग आते हैं ना यहाँ पे, उनको एक नंबर दे दिया जाता है, फिर वो नंबर से बुलाते हैं और वो गाड़ी में एक एक करके बैठाएंगे। हम लोगों ने अपना नंबर ले लिया है, तो अभी हम लोग इस वेटिंग रूम में वेट करेंगे और देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। अभी हम लोग इस वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। तो फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और अभी यहाँ से बस निकलेगी। और यहाँ पे देखिए ये वाला बस है आपके राइट साइड में दिख रहा होगा, ये दोनों बसेस है, इसी टाइप की बसेस होती हैं। आपको काफ़ी कंफर्टेबल बस होती है, एसी लगा हुआ रहता है, एग्जॉस्ट लगा हुआ रहता है, तो कहीं पर कोई सफोकेशन का दिक्कत नहीं आएगा इस बस में। ये देखिए ये वाला रास्ता होता है, और अब हम लोग को ज़्यादा नहीं 15 मिनट वेट करना पड़ा था यहाँ पर बस में एंट्री करने के लिए, क्योंकि वो भी एक नंबर सिस्टम से ही जाता है। तो आराम से हम लोग आ गए बस में, और देखिए मैं आपको जर्नी दिखा रहा हूँ यहाँ का। यहाँ पे काफ़ी सुंदर है, दोनों साइड आपको पूरा जंगल ही जंगल मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे हर बस में एक ट्रेनर असाइन किया जाता है, तो हमारे बस का भी एक ट्रेनर है, तो वो सारे डिटेल्स आपको बताएंगे कि लियोपार्ड का नाम क्या है या फिर बाघ का नाम क्या है, ये कहाँ से लाया गया है, तो वो सारी स्टोरी भी आपको बताते हैं। और ये सारा बस वगैरह ना CCTV से कनेक्टेड रहता है, तो कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो तो उसकी जानकारी तुरंत वहाँ से मिल जाए। ऐसा तो कभी कुछ होता नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट काफ़ी एडवेंचरस जगह है ये। एक बार आप यदि राजगीर आते हैं ना, तो जू सफारी तो आपको मस्ट करना ही करना है। ग्लास ब्रिज आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, बट जू सफारी तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल, मैंने इसके बारे में सुना है, काफ़ी एडवेंचरस प्लेस है ये जू सफारी। अभी हम लोग आ चुके हैं पहला सफारी के अंदर, इसका नाम है लायन सफारी। ये देखिए अपना गेट खुल रहा है सामने का, लोहे का गेट बना हुआ रहता है, और इसके अंदर अभी बस जाएगी और फिर ये गेट बंद होगा, फिर जाकर दूसरा गेट खुलेगा। पाँचों सफारी का यही रूल है कि पहला गेट खुलेगा, फिर बस अंदर जाएगी, फिर वो गेट बंद होगा, उसके बाद दूसरा गेट खुलेगा। जैसे देखिए अभी पहला गेट से हम लोगों ने एंटर किया, फिर पहला गेट बंद होगा, फिर ये सामने वाला गेट खुलेगा, फिर हम लोग एंटर करेंगे। ये देखिए दूसरा वाला गेट खुल रहा है और फिर हम लोग यहाँ से लायन सफारी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लायन कहीं भी दिख सकता है, हो सकता है हमें रोड पर ही मिल जाए, हो सकता है हमें कहीं पेड़ के पीछे छिपा हुआ मिले, तो आपको ढूंढना पड़ता है यहाँ पर, और हमारा गाइड जो है वो भी हेल्प करता है आपको ढूंढने में। और जहाँ पर भी लाइन रहता है वो आराम से गाड़ी रोक के आपको टाइम देता है फोटोज़ वगैरह लेने का, आप देखने का। ये देखिए यहाँ पे लाइन अवेलेबल है यहाँ पे, ये देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डली 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस है हमारे बस से, और यहाँ पे लाइन बैठा हुआ है, तो आप नीचे जाके इंजॉय कर सकते हैं चाहे तो। आप आइए तो एक बार नीचे आके देखिए, अपने रिस्क पर आइएगा, तो शायद लाइन छोड़ दे या सेल्फी वगैरह लेने के लिए आ जाए तो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए लाइन काफ़ी भूखा बैठा रहता है, मैंने ट्रेनर से बात किया था, बोलता है कि यहाँ पे 45 kg का इनको डेली मीट चाहिए, बट ये लोग सिर्फ 15 से 20 किलो ही खिलाते हैं, क्योंकि वो बाहर आए, अदरवाइज 45 किलो खिला देंगे ना तो शायद वो बाहर आएंगे ही नहीं और हम लोग को दिखेगा ही नहीं। ये देखिए रोड पे कितने मस्त आराम से बैठा हुआ है, कोई डर नहीं है, डर हम लोग को लग रहा है यहाँ पे अंदर बैठे हुए। हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पर फोटो वोटो लिया है, ये देखिए, और शीशा इतना अच्छा रहता है ना ये, बाकी आप आराम से बगल से देख सकते हैं, काफ़ी करीब से लाइन को देख सकते हैं। ये देखिए उसका कितना मुँह
कितना धूल उड़ रहा है उसके आस पास, कितना कितने आराम से बैठा हुआ है। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, बाकी तो चिड़ियाघर में ही देखा था, अभी हम लोग चिड़िया के अपना हम लोग पिंजरे के अंदर बंद है और वो बाहर मजे कर रहा है लायन, ये देखिए। तो आप मॉर्निंग में आइएगा ना, तो हो सकता है आपको तीन चार लायन एक साथ दिख जाए, हम लोग को तो अभी एक ही दिखा है और देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है। ये देखिए हमारा बस यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो ये देखिए चलता फिरता दूसरा लाइन मिल गया हमें यहाँ पर भी, तो अभी पता नहीं और कितना लाइन मिलना है बाकी है, अभी देखते हैं। ये देखिए वो आगे निकल गया और हमारी बस पीछे चली गई यहाँ से, और ये करीब से लिया गया, पीछे सामने एक बस खड़ी है और एक हमारी का बस है, दोनों के बीच में ये लाइन चल रहा था। ये देखिए आराम से, ये देखिए बस एक, ये मेरे सामने वाले बस बस सामने वाला बस है जो कि पीछे आ रहा है और हमारा बस यहाँ सामने खड़ा है, तो लाइन दोनों बस के बीच में से है। ये देखिए कोई किसी प्रकार का डर भय नहीं है कि बस से चिपा जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए ऐसा मैंने सुना है कि ये लोग ना बस को काफी नुकसान ही पहुंचा देते हैं कभी कभी चढ़ के। हम लोग का सेकंड सफारी है टाइगर सफारी। टाइगर की बात की जाए तो इस सफारी के अंदर टोटल 3 टाइगर है, 2 मेल एक फीमेल है। जो दोनों मेल है का नाम हिमा रखा गया, एक का नाम अर्जुन है। जो फीमेल उसका नाम स्वर्णा है, स्वर्णा जो एक व्हाइट टाइगर से सफेद बाघी नहीं है। आज हम लोग देखेंगे भी तो सिर्फ उसे ही देख पाएंगे, स्वर्णा को ही, बाकी दोनों रीजन ये है सर क्योंकि वो सोलिटरी एनिमल होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो अल्टरनेट करके छोड़ा जाता है इनको सफारी में। क्योंकि एक टाइगर जो होता है कम से कम जो टेरिटरी अपना एरिया जो बनाता है 25 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 144 किलोमीटर स्क्वायर तक का इलाका बनाता है एक टाइगर। इतने बड़े इलाके में वो अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए हमारे पास 3 टाइगर होते हुए भी हम लोग एक दिन में एक ही टाइगर को छोड़ पाते हैं। कोशिश की जा रही थी साथ में रखने की, कोशिश की जा रही थी पर ये साथ में नहीं रहे, तो अल्टरनेट करके जो छोड़ा जाता है। जैसे फीडिंग एरिया जो इनका बनाया गया उसके अंदर भजन के लिए जैसे साथ में चले जाते हैं मुश्किल से ये लाइन टाइगर। अभी हम लोग लियोपार्ड सफारी में आ चुके हैं जो कि नंबर 3 सफारी है, अभी हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। तो हमारे गाइड ने बता दिया है कि हमें लियोपार्ड बहुत मुश्किल से ही मिलेगा क्योंकि 2-3 लियोपार्ड टोटल है यहाँ पे, जिसको 2 को तो क्वारंटीन करके केव में रखा गया और 1 को छोड़ा गया है, तो अभी हम लोग को एक कहीं मिला नहीं, हो सकता है कहीं सो रहा हो। लियोपार्ड की एक खासियत होती है कि वो पेड़ पे चढ़ के आराम से पत्तों में अपने आप को छिपा लेता है, आप इसका देखेंगे ना तो ये बिल्कुल पत्तों या झाड़ियों के बीच छिप जाता है आराम से, और वो वहाँ से भी झपट्टा मार के अपना शिकार कर सकता है। तो अभी हम लोग को एक लियोपार्ड तो दिखा नहीं, अभी देखते हैं कि अभी तो ये दूसरा वाला देखिए केव के अंदर है। और इस लियोपार्ड के बारे में उन्होंने ये बताया था कि इन्होंने 7 लोगों का खून कर दिया अभी तक में, और उसके बाद इसको पकड़ा गया और यहाँ लाया गया, तो काफ़ी खतरनाक है ये। और इसके साथ एक और अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, इसी केव के अंदर मिलना चाहिए अभी, उन्होंने बताया कि हो सकता है ये आ जाए साथ में। ये देखिए अभी दोनों लियोपार्ड एक साथ में आ चुके हैं यहाँ पर, तो काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ पर देखने के लिए। हमारा चौथा सफारी बियर सफारी था, इसमें हम लोग भालू देखेंगे, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पे। लियोपार्ड तो हम लोगों ने खुले में नहीं देखा, और अभी देखते हैं बियर सफारी के अंदर जाके देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये हमारा सेकंड लास्ट सफारी है, ये देखिए सेम प्रोसेस है घुसने का, गेट घुसने का, और ये देखिए, और ये देखिए हमें भालू मिल चुका है यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी पे अटैक करते हुए, काफ़ी खतरनाक होता है भालू, ये लोग गाड़ी का बोनट्स वगैरह बोले तोड़ देते हैं ये लोग। अभी तो काफ़ी छोटा है, कोई बड़ा होता तो पक्का बोनट वगैरह तोड़ देता है। ये देखिए तो हम लोगों का 4 सफारी में से अभी एक सफारी ही खराब हुआ है, जिसमें हम लोगों ने तेंदुआ खुले में नहीं देखा है, बाकी सब सफारी में हम लोगों ने सारी चीज़ें खुले में देख ली, भालू भी हमें खुले में मिल गया है। हमारा 5वां और आखिरी सफारी डियर सफारी है। देखिए यहाँ पे डियर आपको आराम से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डियर की संख्या बहुत ज़्यादा है, 150 से 200 डियर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपको रास्ते चलते ही कभी कहीं भी दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लोग एक डियर घास खाते हुए चल रहा है, तो ये आपको बस के आसपास नज़र आ जाएंगे और ये लोग जल्दी से भाग जाते हैं, खतरा देखते ही भाग जाता है। ये देखिए तीनों डियर भाग गए यहाँ से, तो काफ़ी आराम से आप देख सकते हैं डियर। तो फाइनली हम लोग का सफारी का सफर यहीं पे कंप्लीट होता है, अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, हमारी बस वापस जाएगी। हमें 1.5 घंटे का समय लगा पूरा घूमने में, तो आपको हो सकता है 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाए। और अभी हम लोग लास्ट यहाँ पे जाएंगे 3D थिएटर देखने के लिए जो कि यहीं पे है। ये देखिए 3D थिएटर का अरेंजमेंट बैठने का काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, अराउंड 10 मिनट का ये मूवी चलता है। और इसके अंदर ये दिखाते हैं कि प्लास्टिक्स को आपको कम यूज़ करना है, और बाकी ग्लोब्स वगैरह कैसे बनाया है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो काफ़ी अच्छे वे में बताया। सो आप ये भी आई तो ज़रूर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी में इंक्लूड है उसी टिकट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।